हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूं, फिर मैं इसके आगे कुछ और केसेस लूँगा। चलिए मैं केसेस आपके सामने लिख रहा हूं। केस वन, ओके। ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, ओके। जो केस टू है हमारा, केस टू, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड थर्ड राइट टू सी, थर्ड राइट टू सी, ओके। केस थ्री जो हमारा, मैं आपके सामने सारे केसेस लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, हु इज थर्ड राइट टू, हु इज थर्ड राइट टू सी, ओके। जो केस फोर्थ है हमारा, जो केस फोर्थ है ये है, ए इज अपोजिट टू बी, ए इज अपोजिट टू बी, ओके। और जो केस फिफ्थ है, ये मैं आपके एक और केस बढ़ाकर लिखता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। केस फाइव ये है, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड सी इज सेकेंड राइट, सी इज सेकेंड राइट टू सी, ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है इस तरीके से, ओके। इसमें एट पर्सन बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसमें दिया है ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, मींस ए की पोजीशन जो है वो बी पर डिपेंडेंट है, तो पहले हमें बी को प्लेस करना पड़ेगा, फिर ए की पोजीशन हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हम B को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, अगर हम B को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो A इज सेकेंड लेफ्ट टू B, मीन्स A की पोजीशन है वो B के सेकेंड लेफ्ट में है। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, ओके। इसमें दिया है A इज सेकेंड लेफ्ट टू B, मीन्स ये B है तो ये B का फर्स्ट लेफ्ट और ये B का सेकेंड लेफ्ट। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड लेफ्ट टू बी, ओके। तो ये हमारी ए की पोजीशन हो जाएगी, यही तो दिया है क्वेश्चन में, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड केस की साइड, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड थर्ड राइट टू सी, ओके। अब देखिए इसमें कितने पर्संस हैं, एक दो और तीन। इसमें हमें दिया है एंड, ये देखिए एंड दिया है, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, जो कि हमने कर लिया है, ये बी है, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पर हमने ए को बिठा दिया है, ओके। अब देखिए इसमें दिया है एंड थर्ड राइट टू सी, मीन्स ये जो दोनों कंडीशन दी हैं, सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड थर्ड राइट टू सी, ये दोनों ए के ही बारे में बात हो रही है, ओके। ए जो है बी के सेकेंड लेफ्ट में है एंड ए ही हमारा सी के थर्ड राइट पोजीशन पर है, ओके। हमारी एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये देखिए एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। और जो हमारा एंड है, एंड एंड हमारा पर्सन ए के लिए यूज हुआ है ये, ठीक है। ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड, अब देखिए मैं एंड की जगह ए लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए है बी के सेकेंड लेफ्ट में है और ए ही हमारा सी के
थर्ड राइट में है। तो ये देखिए ए हमारा बी के फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में तो प्लेस कर दिया है, ठीक है। और अगर हम सी को यहाँ बिठाते हैं तो ये देखिए ये हमारी साइड कहलाएगी सी की राइट साइड और ये कहलाएगी सी की लेफ्ट साइड, ठीक है। सी का फर्स्ट राइट ये पोजीशन, ये पोजीशन सेकंड राइट और ये पोजीशन सी की थर्ड राइट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने केस थ्री की साइड। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना है, हमें एग्जामिनर एंड की जगह और लिख के भी दे सकता है, एंड और बट। एग्जामिनर हमें एंड की जगह और भी लिख के दे सकता है और बट भी लिख के दे सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैं एंड की जगह अगर और लिख के दे दिया या बट लिख के दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएं, ओके ध्यान रखना। चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड केस की साइड। ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, हु इज थर्ड राइट टू सी। मीन्स ए जो है बी के सेकेंड लेफ्ट में है, हु इज, हु मीन्स ये जो हु है ये हु हमारा यूज हुआ है पर्सन बी के लिए। आप हमेशा याद रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हु का मतलब होता है जो हमारा इमीडिएट पर्सन होता है, ओके। तो हु का इमीडिएट पर्सन कौन है, मतलब हु किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए। इसमें हमारे तीन पर्सन है, ए बी, ये हमारा बी पर्सन है और ये सी है, ओके। और ये हु जो है हमारा बी पर्सन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ए इज अपोजिट टू बी, मैं इस केस के साथ एक और केस लूँगा, उसमें आपको कंपेयर करके बताऊँगा, आप आराम से अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब ये देखिए हमारी लास्ट कंडीशन जो दी है, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी, ओके। ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड सी इज थर्ड राइट टू सी। अब फ्रेंड्स इसमें ध्यान से देखना, मैं आपको एक बात बताऊँगा, ये यहाँ पर जो एंड यूज हुआ है इसका कुछ और मीनिंग है, ध्यान से देखना। इसमें हमारे कितने पर्संस हैं, एक दो तीन, और ये ए सी इज थर्ड राइट टू डी, सॉरी यहाँ डी आएगा। ये देखिए पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री एंड पर्सन फोर, ओके। अभी देखिए ए इज सेकेंड लेफ्ट टू बी एंड सी इज सेकेंड राइट टू डी, ओके। अब देखिए इसमें हमारे कितने पर्संस हैं, वन टू थ्री फोर, फोर पर्संस हैं। यहाँ पर एंड जो यूज हुआ है वो एक ये सेंटेंस ये वाला और एक ये वाला स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज हुआ है एंड। यहाँ पर एंड यूज हुआ था एक दो तीन पर्सन थे, तब जब अगर तीन पर्संस हों तो एंड फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बट इस वाले केस में एंड जो हमारा यूज हुआ है एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट, इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज हुआ है, कंफ्यूज मत होना। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ए बी एंड सी, ओके। और एक केस है हमारा, यहाँ पर लिखिए ए बी एंड सी कॉमा डी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो दोनों पर्सन्स हैं ए बी एंड सी, तो जो एंड हमारा यूज हुआ है ये पर्सन इस पर्सन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंड यूज हुआ है वो एक ये वाला स्टेटमेंट और एक ये वाला स्टेटमेंट, ये ना एक स्टेटमेंट वन ये स्टेटमेंट टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट वन और ये हमारा स्टेटमेंट टू, है ना। तो यहाँ पर जो एंड यूज हुआ है वो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट, इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज हुआ है। चलिए फ्रेंड्स आप याद रखना, यहाँ पर एंड की जगह एग्जामिनर हमें और बट भी दे सकता है, और ये जो हमारा केस है यहाँ पर एग्जामिनर हमें हु की जगह विच लिखकर भी दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये विच किसके लिए यूज हुआ है, ध्यान रखना विच भी हमारा बी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एग्जामिनर अगर मैं हु की जगह विच दे दिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा
अलग केस है, ये वाला हमारा डिफरेंट केस है, और ए बी बट सी, ठीक है। ये जो हमारा बट है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी बट नहीं हु, यहाँ पर हु आएगा, ये जो हमारा हु है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एग्जामिनर हमें हु की जगह विच लिख कर भी दे सकता है, तो ये हमारा अलग केस है। फ्रेंड्स आप सारे यहाँ से ये जो भी मैंने आपको केसेस बताए हैं आप सारे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको रिवीजन के टाइम पे काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। मैं अभी कुछ केसेस और डिस्कस करूँगा। चलिए अब हम और केस डिस्कस करते हैं आपके सामने। ये देखिए ये हमारा केस 6 है, इसमें मैं दिया है ए इज इमीडिएट, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी, ओके। हमें एग्जामिनर यहाँ लेफ्ट की जगह राइट लिख कर भी दे सकता है, मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा ये, ठीक है। चलिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। सपोज हमें ये सर्कुलर टेबल दिया है, इसमें कुछ पर्संस बैठे हुए हैं इस तरीके से, ये 8 पर्संस बैठे हुए हैं टेबल पर, ठीक है। इसमें दिया है ए इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी, ओके, मींस ए की पोजीशन बी पर डिपेंडेंट है, तो पहले हम बी को बिठा लेंगे। सपोज हमने बी को यहाँ प्लेस कर दिया, ओके, ए इज इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट मींस जस्ट लेफ्ट, ओके, इमीडिएट लेफ्ट मींस जस्ट लेफ्ट, ठीक है, मींस ए की पोजीशन हमारी यहाँ होगी। और अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पढ़ें ए इज इमीडिएट राइट टू बी, ओके, ए इज इमीडिएट राइट टू बी, ये हमारा लेफ्ट साइड था, तो हमारा ए जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया, ये हमारा राइट साइड है, तो बी जो आएगा हमारा, सॉरी अब इस केस में ए इज इमीडिएट राइट टू बी मीन्स ये हमारा बी है, अब ए लेफ्ट में ना बैठकर इमीडिएट राइट पोजीशन पर बैठेगा, ओके। एक ये वाला केस हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं बताता हूं आपको, इसमें दिया है, चलिए हमारा केस 7 है ये, इसमें दिया है ए इज अपोजिट, ए इज अपोजिट टू बी, ठीक है। और एक एग्जामिनर हमें ये भी दे सकता है ए इज डायगोनली, ए इज डायगोनली, ए इज डायगोनली अपोजिट टू बी, ओके। आपको इन दोनों केस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर टेबल है ये, ठीक है, ये हमारी स्मॉलर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, इस पर एक पर्सन बैठा हुआ है और ये लॉन्गर साइड पर 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है ए इज अपोजिट टू बी मीन्स पहले हमें बी की पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा। सपोज बी को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ओके, कोई पर्सन बी है जो कि हमारा इस पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो इसमें दिया है ए इज अपोजिट टू बी मींस बी की जो अपोजिट है वहाँ पर ए बैठेगा। अब देखिए ए बी के अपोजिट है ना ये, तो ये वाला तो हमारा केस हो गया ये ए इज अपोजिट टू बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है ए इज अपोजिट टू बी, चलिए मैं यहाँ सी कर देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर सपोज मैंने सी कर दिया, सी इज डायगोनली अपोजिट टू बी, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखना आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सपोज ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है, डायगोनल मतलब होता है ये जो
अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है जो लाइन, वो हमारी डायगोनल बनाती है। ये हमारी डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर और ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें क्या दिया है, सी इज डायगोनली अपोजिट टू बी, मीन्स सी जो है हमारा डायगोनली अपोजिट टू बी पर बैठा हुआ है। तो ये देखिए, ये दोनों पोजीशंस जो होती है ना, ये हमारी डायगोनली अपोजिट कहलाती है ना। ये दोनों पोजीशंस भी डायगोनली अपोजिट कहलाएंगी और ये दोनों पोजीशंस भी डायगोनली अपोजिट कहलाएंगी। चलो मैं इसे डी वन से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये डी टू, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल है। अपन लोग इनको कुछ भी कह सकते हैं, चाहे ये फर्स्ट ले लो चाहे ये फर्स्ट ले लो। अब देखिए, इसमें दिया है सी इज डायगोनली अपोजिट टू बी, मीन्स सी की जो पोजीशन है वो बी के डायगोनली अपोजिट है, तो सी हमारा यहाँ पर बैठेगा। ओके, समझ आया ये वाला केस। चलिए, एग्जाम में स्टूडेंट इस केस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके आगे कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको लेकर और डिस्कस करेंगे, तो आपको और प्रैक्टिकली अच्छे से समझ आएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी आपके डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में लिख के आप कर सकते हैं मेरे को। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।